नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पाइथन की सीरीज में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पाइथन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे आपके फीडबैक काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि तैयारी आपकी अच्छे से चल रही है। तो पिछले लेक्चरों में हमने देख लिया था कि लिस्ट क्या होती है, उसके बाद हमने क्या देखा टपल क्या होता है, और आखिरी लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेट्स क्या होते हैं। अब आज इस लेक्चर में बारी है कि डिक्शनरीज क्या होती है इसको देखा जाए, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की, और सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरीज की डेफिनेशन क्या है। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड का मतलब हमने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि मान लीजिए किसी डिक्शनरी में आपने तीन एलिमेंट ऐड किए, ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में सेव भी हो, इसका ऑर्डर बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। आप इसको बता नहीं सकते कि सेव होने के बाद ये ऑर्डर कहाँ रहेगा, मतलब ए कहाँ रहेगा ना आप बता सकते हैं, ना बी कहाँ रहेगा बता सकते हैं, ना सी कहाँ रहेगा बता सकते हैं। इनकी प्लेसेस एक्सचेंज हो जाती है जब एक बार आप इनपुट कर देते हैं उसके बाद, और इसी चीज को क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड, जिसका कोई ऑर्डर ना हो। आप जिस क्रम में डाल रहे हैं उस क्रम में ये नहीं रह जाएगा, और रह भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रहेगा, आप बता नहीं सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है कि चेंजेबल, कि डिक्शनरीज में जो एलिमेंट होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब जिन्हें बदला जा सके। और उसके बाद इंडेक्स मतलब जिसका इंडेक्स होता है। अब इन चीज़ों को जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसके लिए परेशान मत होइए, एग्जाम्पल के साथ एकदम 100% ये सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरीज को किसके अंदर लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखते हैं तो वो डिक्शनरी बनती है। लेकिन यहाँ पर दो नई चीज आ गई, एक कीज आ गई और दूसरा वैल्यू आ गई। अब ये क्या चीज होती है ये समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पर कोई एलिमेंट सेव कराएंगे तो सबसे पहले आप की लिखेंगे और दूसरी बात उसके बाद आप लिखेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब पहले आप लिख दिए 1, उसके बाद आपने लगाया कोलन, और उसके बाद उसमें कौन सी वैल्यू आप सेव करना चाहते हैं वो सेव कर देंगे। तो अगर इस एलिमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसकी सहायता से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? फिर से समझते हैं। देखिए, जब हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट्स, तो उसमें क्या था, उसमें हम कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें उसका पता मालूम नहीं होता था। उससे बचने के लिए यहाँ पे हर वैल्यू के लिए एक की दे दी जाती है कि मान लीजिए फॉर्ड है तो उसके लिए कीवर्ड क्या है, ब्रांड है। मान लीजिए ये वर्ड है तो उसके लिए कीवर्ड क्या है, मॉडल है। और मान लीजिए 1964 एक वैल्यू है तो उसके लिए कीवर्ड क्या है, ईयर है। तो आपको अगर 1964 की जरूरत पड़ी तो आप ईयर की सहायता से उसे एक्सेस कर लेते हैं। अभी प्रैक्टिकल में हम करके देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसे होता है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर दो वैल्यूज आप सेव कराते हैं। पहली होती है आपकी की और उसके बाद आती है आपकी वैल्यू। ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना लिस्ट, टपल और आपके सेट से, क्योंकि वहां पर एक वैल्यू आप देते थे पर यहां पर आप दो वैल्यू दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहले एक हम बनाते हैं डिक्शनरी और उसको प्रिंट कराकर देखते हैं कि कैसे इसे हम प्रिंट कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाते हैं, इसका नाम हम DIR दे दे रहे हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। अब इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वैल्यूज देनी है। तो सबसे पहली वैल्यू मैंने दी 1, ये हमारी की हो गई। अब हमने लगाया कोलन। अब 1 के अंदर क्या वैल्यू हम देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया हमने। अब दूसरी वैल्यू दे रहे हैं हम, दूसरा की बनाएंगे 2, और उसके बाद हमने कोलन लगाया और फिर हमने दिया वैल्यू नेम। उसके बाद हम तीसरी वैल्यू देखने चल रहे हैं और फिर से हमने लगाया की, एक बनाया 3, और फिर हमने बनाया कोलन और उसकी वैल्यू हमने दे दी क्लास। ठीक है, तो एक्चुअली 3 वैल्यू हमने दी है। पहली वैल्यू, अब इस चीज को ध्यान से समझिए, पहली वैल्यू हमने दी रोल नंबर और उसके बराबर में जो की बनाई वो है 1, दूसरी नेम दी हमने वैल्यू और उसके बराबर में जो की बनाई वो है 2,
और तीसरी हमने क्लास दी और उसके बराबर में जो हमने की बनाई वो है 3। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो ये अब थोड़ा साफ आपको दिख रहा होगा। अब इसको प्रिंट कराते हैं तो हमने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में अपनी डिक्शनरी का नाम DIR हमने लिख दिया। और जैसे ही हम इसको रन कराएंगे देखिए हमारा यहाँ पर 1 के बराबर में रोल नंबर, 2 के बराबर में नेम और 5 के बराबर में क्लास आ गया। अब इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं है, सेम जैसे आप करते थे अभी तक वैसा ही मामला चल रहा है, ठीक है। अब आगे बदलाव होगा और आगे बदलाव क्या है, एक्सेसिंग आइटम, मतलब आपको आइटम एक्सेस करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन एक्सेस आइटम और डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम, मतलब आपको अगर आइटम एक्सेस करना है तो आपको की नेम का रेफरेंस देना पड़ेगा। और की नेम का रेफरेंस कैसे देंगे, जैसे आप एक्स में सेव कराना चाहते हैं तो एक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की का नाम लिखना रहेगा। चलिए आइए इसको करके देखते हैं। देखिए एक बार आप करेंगे तो ये बिल्कुल से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स लेंगे और इसके इक्वल टू में हम लिखेंगे DIR क्योंकि हमारी डिक्शनरी का नाम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर जो वैल्यू लेना हो आपको उसका आपको लिखना पड़ेगा की, मतलब अगर आपको नेम चाहिए तो नेम का की क्या है, 2 है, ठीक। तो हमें नेम चाहिए तो हम उसका की वैल्यू यहाँ पर 2 इसके अंदर लिख देंगे। और जैसे ही हमने 2 लिखा ये तुरंत जाएगा चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू का की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर नेम का की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेम वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, एक बार फिर से समझिए कि जो भी इंडेक्स आप देंगे ये इंडेक्स नहीं है, ये की वैल्यू है, ये ढूंढेगा कि 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 मिल गया तो इसके अंदर जो वैल्यू सेव है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। चलिए अब इसको रन करा कर देखते हैं कि एक्स के अंदर क्या आया है। यहाँ पर DIR की जगह पर हम एक्स लिख दे रहे हैं और इसको जैसे ही हमने रन कराया देखिए नेम हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं नेम ना प्रिंट हो कि क्लास प्रिंट हो तो हमें यहाँ क्या पास कराना पड़ेगा, क्लास की वैल्यू, और क्लास की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम 5 अगर पास कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, देखिए इसको क्लियर कर रहे हैं और जब हमने एक्स को अप प्रिंट कराया तो देखिए हमारा आउटपुट क्लास आ गया। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पर कोई वैल्यू आपको एक्सेस करनी हो तो उस वैल्यू की वैल्यू आप यहाँ पर पास करेंगे DIR के अंदर, समझ में आई ये बात। और यही सेम काम आप गेट मेथड से भी करा सकते हैं, मतलब जो काम आपने अभी इस तरीके से किया वही आप गेट मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है उसके बाद डॉट लगाना है और फिर गेट फंक्शन की सहायता से आप सेम काम कर सकते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वेरिएबल मैं एक्स लेता हूँ और इसके इक्वल टू में मैं अपनी डिक्शनरी का नाम DIR लिखता हूँ, डॉट गेट का यूज़ किया हमने और ब्रैकेट के अंदर हमें की वैल्यू पास करानी है। अब मान लीजिए हमें रोल नंबर प्रिंट कराना है तो रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर हमने पास करा दिया 1। अब देखिए क्या होगा, अब यही पहले सर्च करेगा कि की वैल्यू 1 में कौन सी वैल्यू है, तो की वैल्यू 1 में आप देखिए कौन सी वैल्यू है, रोल नंबर वैल्यू है, तो एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि एक्स के अंदर क्या वैल्यू आई है। तो हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक्स को प्रिंट किया और आइए देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया और यहीं पर देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप 1, 2 के फॉर्म में ही सेव कराइए, यहाँ पर हम वेरिएबल भी दे सकते हैं या दे सकते हैं कोई आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे सकता हूँ कैट। तो अब कैट नाम की में नेम नाम का वैल्यू सेव है तो यहाँ पर हम अगर कैट पास करा दें तो अगर प्रिंट कराएं तो कैट वाली की में कौन सा है, नेम हमारा सेव है तो यहाँ पर नेम आउटपुट आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप 1, 2, 3 दीजिए, आप डेसिमल में भी की वैल्यू बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग के फॉर्म में भी की वैल्यू बना सकते हैं, कोई भी ऐसी बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। मैं 1, 2, 3 ले रहा हूँ तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया आपको। आगे तरफ चलते हैं, चेंज वैल्यूज। अब चेंज वैल्यूज का क्या मतलब है कि आप जो डिक्शनरी बना रहे हैं अगर उसमें कोई वैल्यू चेंज करनी होगी तो आप कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद की वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसके इज इक्वल टू में जो वैल्यू आप बदलना चाहते हैं वो लिखेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और 1 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमें जो सेकेंड की वैल्यू है इसकी जगह पर हमें नेम चाहिए,
एक छोटा सा यहाँ पर मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये 2 को मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ, क्योंकि डबल क्विट्स में अगर वैल्यू हमारी रहेगी तो ये स्ट्रिंग जैसा ट्रीट होगा। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है, हमें 2 की वैल्यू में जहाँ पर नेम है वहाँ पर हमें क्या चाहिए, अपने चैनल का नाम कंप्यूटर जी चाहिए। अब ये बदलाव हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए एक प्रिंट फंक्शन कराएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पहले यहाँ पर क्या था, उसके बाद हम चलिए बदलाव करते हैं। तो हमने लिखा DIR, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी जगह पर की वैल्यू की वैल्यू चेंज करानी है वो हमने लिखी, क्योंकि यहाँ पर 2 की वैल्यू है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। अगर क्लास की जगह पर कुछ वैल्यू चेंज करनी होती तो हम 5 लिखते, रोल नंबर की जगह पर कुछ और चाहिए होता तो हम 1 लिखते, तो हमने लिखा 2 और इज इक्वल टू में हम कंप्यूटर जी लिख देते हैं। और अब दोबारा से हम प्रिंट कराते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। चलिए अब रन कराते हैं और देखिए आपके सामने दोनों आउटपुट आ गए कि पहले आपका 1 में रोल नंबर था, 2 में था नेम और 5 में था क्लास। उसके बाद 1 में रोल नंबर रह गया, 5 में क्लास रह गया, पर सेकंड पोजीशन पे देखिए क्या आ गया, कंप्यूटर जी आ गया। कुछ इस तरीके से आप वैल्यू को चेंज करा सकते हैं जो वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ समझ में आने लगी होगी अब ना, कि कोई वैल्यू चेंज करानी हो, कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप की सहायता से एक्सेस करते हैं उस चीज़ को। समझ में आ रहा है, ये ट्रैक्टर और ट्रॉली का मामला है कि आपको ट्रॉली को कहीं ले जाना होगा तो आप जो ट्रैक्टर है आपका उसकी सहायता से ही काम कर सकते हैं। ट्रॉली में कुछ भी आपको बदलाव करना होगा कि आपको यहाँ से ट्रॉली यहाँ ले जानी है तो आपको ट्रैक्टर की सहायता से काम करना होगा। तो ये जो हमारी की है वो हमारा ट्रैक्टर है, ठीक है, जो हमारी की है वो हमारा ट्रैक्टर है और जो वैल्यू है वो हमारी ट्रॉली है। ऐसा समझ कर चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, चेक इफ़ की एग्जिस्ट, आपकी की वहाँ पर है या नहीं है वो पता करना हो तो आप सेम तरीका करेंगे जो आप लिस्ट में किए हैं, टपल में किए हैं, सेट में किए हैं। इफ़ अपनी की का नाम इस, उसके बाद डिक्शनरी, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे तो अगर वो की होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। ये आप पहले भी कर चुके हैं, जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं पिछला लेक्चर देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बस सिंपल सा रन कराएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो ये चीज़ रन हो जाएगी। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 3 बार मैं इसको बता भी चुका हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, डिक्शनरी की लेंथ, तो इसके लिए मैं कहता हूँ प्राचीन काल से किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी चीज़ की लेंथ निकालनी हो तो एक ही चीज़ यूज़ होती है, LEN फंक्शन का यूज़ होता है। आप लिखेंगे प्रिंट LEN और उसके अंदर पास करा देंगे अपनी डिक्शनरी का नाम तो आपकी जो डिक्शनरी है उसकी लेंथ आ जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार छोटा सा प्रोग्राम है तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सबको हमने मिटाया और हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में LEN ब्रैकेट में फिर DIR और इसको हम कर ले रहे हैं यहाँ पर क्लियर, ठीक है। अब रन करा कर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि यहाँ पर 3 की वैल्यूज़ और 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये आपकी हो गई और तीसरी ये, तो 1+1+1 3 हमारा आ गया इसका लेंथ। आसान है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है एडिंग आइटम्स, कि कोई आपको आइटम ऐड करना हो तो किस तरीके से आप आइटम ऐड करेंगे, तो उसके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये देखिए आपकी डिक्शनरी बनी हुई थी और उसमें आपने ऐड की डिक्शनरी का नाम, फिर उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पास कराई और उसमें क्या वैल्यू आप चाह रहे हैं उसको आपने इंसर्ट करा दिया। तो चलिए हम एक और ट्राई करते हैं इसको करने का और देखिए कैसे इसको कर रहे हैं। तो हमने डिक्शनरी का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास कराया ईयर। अब क्योंकि ईयर स्ट्रिंग है तो हमने डबल क्विट्स का यूज़ किया, ईयर लिखा और इज इक्वल टू लिखा, और कौन सा ईयर चाह रहे हैं तो 1996 हम चाह रहे हैं या 78 जो भी पास कराना हो, और उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं अपना डिक्शनरी। तो देखिए क्या आउटपुट हमारा आता है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। और एक बार हम प्रिंट ऊपर भी लगा दे रहे हैं ताकि पता चल जाए वैल्यू इनपुट करने से पहले हमारी डिक्शनरी कैसी दिख रही थी। तो यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया फिर से। चलिए अब रन कराकर हम देखते हैं, तो पहले देखिए क्या क्या चीज़ें थी। तो पहले हमारा रोल नंबर था, उसके बाद नेम था और क्लास था। अब देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास और ईयर भी आ गया, ये चीज़ समझ में आई।
ठीक है, तो आप इस तरीके से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और देखिए जो इस तरफ आप वैल्यू लिखेंगे डी आई आर के साथ, वो आपकी की बन जाएगी, और उसके आगे जो लिखेंगे वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। समझ में आई ये चीज़? चलिए, तो ये हो गया किस तरीके से आप डिक्शनरी में अपना आइटम ऐड करते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ना कैसे काम चल रहा है। यहाँ पर सब चीज़ें पहले ही जैसे ही हैं, और यहाँ पर दो चीज़ और जोड़ दी, की और वैल्यूज, ताकि हम अच्छे से एलिमेंट को एक्सेस कर सकें अनऑर्डर्ड होते हुए भी, क्योंकि अनऑर्डर्ड में दिक्कत आती थी कि आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो सबके साथ एक एक पूछ जोड़ दी गई की नाम की, कि उसकी सहायता से आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रिमूव आइटम। तो रिमूव आइटम के लिए आप पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था कि अपने डिक्शनरी के साथ पॉप यूज़ करेंगे और की वैल्यू लिख देंगे कि किस चीज़ की वैल्यू आपको पॉप करनी है। चलिए आइए करके देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने डिक्शनरी का नाम डी आई आर लिख रहे हैं, उसके बाद हम पॉप यूज़ कर रहे हैं, और फिर ब्रेकेट के अंदर वो की वैल्यू पास कराएंगे जिस की वैल्यू के आगे की वैल्यू हमें गायब करनी हो। तो मान लीजिए हमें रोल नंबर गायब करना होता तो 1 लिखते, नेम गायब करना होता तो 2 लिखते, क्लास गायब करना हो तो 5 लिखते। तो हम मान लीजिए नेम गायब करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉप के अंदर 2, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे। ठीक है, डी आई आर को, और देखेंगे क्या वो वैल्यू गायब हुई है या नहीं। चलिए रन करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हमारे पास था। तो रोल नंबर था, नेम था और क्लास था। अब देखते हैं, रोल नंबर है, क्लास है, पर सेकंड जो की वैल्यू थी वो हमारी गायब हो चुकी है, क्योंकि उसको हमने पॉप कर दिया है। समझ में आई ये चीज़? चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद है हमारा पॉप आइटम। अब पॉप और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस होता है? पॉप में आप इंडेक्स डालते हैं कि कौन सी वैल्यू गायब करनी है, लेकिन जब आप पॉप आइटम आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो आखिरी वाली वैल्यू है वो अपने आप रिमूव हो जाती है। मान लीजिए ये आपकी 3 वैल्यूज़ हैं, तो जो वैल्यू आखिरी में स्टोर होगी वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी जब आप पॉप आइटम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका बना है, ये आपकी कोई वैल्यू है, फिर ये आपकी कोई वैल्यू है, और ये आपकी कोई वैल्यू है, 3 वैल्यूज आपने सेव कराई हैं, तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी, वो हट जाएगी जब आप पॉप आइटम यूज़ करेंगे। तो वहीं पे जब आप पॉप सिर्फ यूज़ करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी वैल्यू हटाना चाहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, इसको आप रन करा लेंगे तो रन हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला हमारा है डेल। डेल की सहायता से आप कोई स्पेसिफिक आप चाहें तो वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, या पूरी आप डिक्शनरी चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डेल के साथ जब आप डिक्शनरी का नाम और की वैल्यू लिखेंगे तो वो वाली वैल्यू हट जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए इस बार हम क्या गायब करेंगे, तो हम यहाँ पर रोल नंबर को यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर डेल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेल, उसके बाद हमको डॉट नहीं लगाना है, ठीक है, उसके बाद डी आई आर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। अब डेल की, अरे सॉरी, रोल नंबर की वैल्यू क्या है? 1, और फिर हम प्रिंट कराएंगे अपना डी आई आर, और देखेंगे क्या काम यहाँ पर होता है। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले देखिए रोल नंबर था, उसके बाद नेम था, फिर क्लास था, और क्योंकि हमने 1 वाला गायब कर दिया, 1 वाला डिलीट कर दिया, तो रोल नंबर और क्लास हमारा बचा है। सिंपल सा है, और इसी की सहायता से आप पूरी डिक्शनरी भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी हम देखे हैं कि डेल की सहायता से पूरी डिक्शनरी भी डिलीट होती है, बस आपको डेल के साथ डिक्शनरी का नाम लिखना है, और जो आप की वैल्यू पास करा रहे थे वो यहाँ पर नहीं करानी है। अगर की वैल्यू पास नहीं कराते हैं तो सिस्टम ऐसा समझेगा कि आप पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं, और वो पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। तो ये हमारा हुआ डिलीट कीवर्ड, और उसके बाद क्लियर, इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं, डिक्शनरी के नाम के आगे डॉट लगाकर क्लियर जब आप लिखते हैं तो डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द क्लियर कीवर्ड एम्प्टीज द डिक्शनरी। क्लियर कीवर्ड क्या करता है? डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारा क्या है, कॉपी अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए, अब जो बच्चे लिस्ट देखे होंगे एकदम आसानी से उसको समझ पाएंगे। लिस्ट में भी मैंने समझाया था कि जैसे आप एक वेरिएबल लेते हैं ए इज इक्वल टू 5, और आपको बी में यही वैल्यू ए वाली चाहिए, तो आप बी इज इक्वल टू अगर ए लिखते हैं तो ए में जो 5 है वही बी में भी चला जाता है। ये तो हमको पता ही होगा, अगर हम पाइथन यहाँ तक पहुँचे हैं तो इतनी चीज़ तो हमको पता ही होगी कि अगर ए वाली वैल्यू बी में चाहिए तो बी इज इक्वल टू ए आप लिख दीजिए तो काम चल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप डी आई आर 1 बनाते हैं, कोई कोई डिक्शनरी 1 आपने बना ली, और 2 में भी वही वैल्यू आपको चाहिए,
तो DIR2 इज इक्वल टू DIR1 लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत आती है साथ में, वही दिक्कत जो लिस्ट में आई थी कि अगर आप DIR1 में कोई बदलाव करते हैं तो वो सेम बदलाव DIR2 में हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि DIR1 की वैल्यू ही तो 2 में जा रही है। मेरी बात समझिए कि आपने लिखा DIR2, अब मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग ख़राब है उसके लिए सॉरी, और फिर लिखा DIR1, ऐसा आपने लिखा है, और DIR1 में आप कोई बदलाव करेंगे तो DIR2 में वो अपने आप हो जाएगा। इसको मैंने लिस्ट में अच्छे से समझाया है, जो लिस्ट वाला हमारा चैप्टर नहीं देखे वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, उससे आप उसको देख लीजिएगा। और इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कॉपी, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप 1 में कोई बदलाव करें और वो 2 में ना आए तो आपको कॉपी यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी कैसे यूज़ करते हैं, सेकेंड जो डिक्शनरी आप बना रहे हैं इज इक्वल टू फर्स्ट डिक्शनरी डॉट कॉपी आप लिखेंगे तो ये आपका कॉपी वाला रन हो जाएगा। चलिए आइए इसको करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए अब DIR1 इसे मैं कर देता हूँ और नीचे हम रन कराते हैं DIR2 इज इक्वल टू DIR1 डॉट कॉपी, ठीक है सॉरी कॉपी, और ब्रेकेट बंद। अब इसके बाद अगर हम प्रिंट कराएं DIR1 को और नीचे प्रिंट कराएं DIR2 को, देखिए दो हमारी DIR सेम बन जाएंगी, देखिए दोनों सेम DIR आ गई। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आप 1 में कोई बदलाव भी कर देते हो, जो आपकी DIR1 है उसमें कोई बदलाव भी कर देते हो तो DIR2 में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर आप इक्वल यूज़ करते हो तो उसमें हमारा अंतर दिखता है। तो ये दूसरा तरीका था कि आप कॉपी भी कर लें और DIR1 में जब कुछ बदलें तो DIR2 में कोई बदलाव ना दिखे। इसके अलावा भी एक तरीका है ये काम करने का, उसके लिए हमें सेकेंड वाली डिक्शनरी का नाम लिखना है इज इक्वल टू DICT फंक्शन यूज़ करना है। DICT की सहायता से जब आप ब्रेकेट में डिक्शनरी 1 पास कराते हैं तो सेम काम होता है जो अभी आपने किया, इसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलती है, और सेम चीज़ आप लिख भी देंगे तो रन हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पहले लिस्ट वाले चैप्टर में हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिक्शनरी को भी कंप्लीट कर दिया। अब आज आपका काम क्या है कि इसको तो पहले रन कराइए, फिर आप अंतर ढूंढिए कि लिस्ट में, टपल में, सेट्स में और डिक्शनरी में क्या क्या अंतर होता है। ये आज हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से करिएगा। नोट्स की ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत दिखती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकें और मोटिवेशन हमें मिल सके। धन्यवाद।